नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नए तरीके से एग करी की रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 अंडे। अंडे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में 5ों अंडे को तोड़ लेंगे। 5ों अंडे मैंने तोड़ लिया है। अब हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और अच्छे से हम अंडे को फेंट लेंगे। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब हम एक बर्तन में ले लेंगे पानी और पानी को अच्छे से गर्म करेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है। तो वेट करते हैं पानी अच्छे से जब हमारा बॉईल हो जाए, तब तक आप देख सकते हो पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम ये जो अंडे को फेंट के रखे थे डालेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और हाई फ्लेम में हम 1.5-2 मिनट इसे इसी तरीके से रहने देंगे। अभी हम इसे हिलाएंगे नहीं। एक मिनट बाद हम इस तरीके से स्पैचुला से चलाएंगे और चेक करेंगे। नीचे की ओर तो अच्छे से अंडे हमारा बॉईल हो चुका है, बस हल्का आप ऊपर से देख सकते हो अंडे हल्का कच्चा है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और बस 30 सेकेंड हम अंडे को और पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। 2 मिनट बाद हम अंडे को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम छन्नी में निकालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी है कुछ देर इस तरीके से रखेंगे, वो नीचे पैन में आ जाएगा। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। देखिए, और इसे एक प्लेट में हम रख देंगे। देखिए बस इस तरीके से 1 मिनट हम रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पैन में आ जाएगा। तो अंडे को मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा हो जाने देंगे। जब तक अंडे हमारा ठंडा हो रहा है, हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 3 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से हम गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी के और डालेंगे 2 छोटी इलायची। एकदम छोटे दालचीनी के टुकड़े डाले और डालेंगे साथ ही 1 चम्मच साबुत जीरा। अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे अच्छे से फ्राई हो जाए डालेंगे हम यहाँ पे 1 बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ा करके। गैस का फ्लेम हाई करके हम प्याज को फ्राई करेंगे कलर चेंज हो जाने तक। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हो अच्छे से कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद हम 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम में और भून लेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने 2 मिनट हाई फ्लेम में भून लिया है। अदरक लहसुन जब हमारा भून जाए, हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। टमाटर पेस्ट डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम में भूनेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे नमक स्वादानुसार। दो से 3 मिनट मैंने मीडियम हाई फ्लेम में टमाटर पेस्ट डालने के बाद भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर 2 चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। साथ
साथ ही डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हम लो पे रखेंगे। दो चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और डालेंगे एक चम्मच जीरा पाउडर। ड्राई मसाले डालने के बाद हम एक से दो मिनट और भूनेंगे, जब तक साइड से तेल अलग न दिखने लगे। मसाले अच्छे से हमारा भून चुका है, आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे हैं और पूरी तरीके से मसाले हमारा ड्राई हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे करीब एक कप पानी। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और ग्रेवी में हम एक बॉईल आने देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, डालेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला और डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। एक बार मिलाएंगे और डालेंगे हम यहाँ पे अंडे। डाल देंगे हम एक बार मिक्स करेंगे और हल्का हम स्पैचुला से इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ा कर लेंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, आराम से हो जाते हैं। देखिए देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे अभी। देखिए मैंने अंडे को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक बार हम मिक्स करेंगे और पैन को कवर कर देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 3-4 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 4 मिनट बाद और आप देख सकते हो अंडे हमारा कितना अच्छे से फूल गया है। देखिए और मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिया है, तो इस हिसाब से आप अंडे यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 5 अंडे से इतना ज़्यादा हमारा अंडा कड़ी बनके तैयार हुआ है। डालेंगे हम ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और मैंने पीस को बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखा है। देखिए कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई करके बस 1 मिनट और अंडा कड़ी को पकाएंगे। बस हल्का ड्राई कर लूँगी मैं। लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहो तो स्किप कर सकते हो। घी डालने के बाद मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी अंडा कड़ी बनके तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये देख के जितना टेस्टी लग रहा है, यकीन मानिए ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये नए तरीके से एक बार एग करी बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। आप इसे रोटी चावल दोनों ही खा सकते हो। तो आज की रेसिपी बनाइए खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।